सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन, जिससे मेरे हर वीडियोस आप तक पहुंचे सबसे पहले, वो भी बिल्कुल मुफ्त। हे गाइस, मेगा हियर, वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, और आप देख रहे हैं जीनियस मॉमी। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वेस्ट चीज़ बर्गर की रेसिपी, या इसे हम आलू टिक्की बर्गर भी कहते हैं। इसे हम ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं या एज ए स्नैक्स ले सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 बर्गर बंस, देन अमूल बटर, मैंने मेयोनीज लिया हुआ है हाफ बाउल के करीब करीब, शॉप्स में मिल जाता है इजीली। देन टमाटो सॉस लूँगी 4 to 5 टेबलस्पून, और मैंने पोहा लिया हुआ है, इसे सोक करके रखा था वाटर में। ओनियन स्लाइस ली हुई है 4 टमाटो स्लाइस ली है, और एक छोटा ओनियन बारीक कटा हुआ लेंगे। 2 स्लाइस चीज़ के लिए है मैंने, या हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, गरम मसाला 1/4 चम्मच, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट या 1/4 चम्मच लेंगे, मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, जीरा 1/2 टेबलस्पून, राई 1/2 टेबलस्पून के करीब करीब मैंने लिए, ये ऑप्शनल है, आपको लेना है तो लीजिए। देन धनिया पाउडर 1/2 टेबलस्पून। यहाँ पर जो उबले हुए आलू हैं, इसमें हम सारे जो पाउडर्ड मसाले हैं वो डाल देंगे, क्योंकि हमें इसकी आलू टिक्की बनाना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डाल दीजिए, सारे मसाले। इसके बाद ओनियन मैं इसमें डालूंगी। ओनियन डालने के बाद हम इसे मैश करेंगे, क्योंकि जो आलू है उसे हमें मैश करना है। इसमें गांठें नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह से मैश कीजिए। फिर इसमें हम भीगा हुआ पोहा डालेंगे, जिससे ये थोड़ी सी क्रिस्पी बनती है आलू टिक्की। अब इसे मिक्स कर दीजिए ठीक से, और हमें इसका एक डो तैयार करना है इस तरह से। और फिर हम उसके 2 बड़े बड़े से पीसेस लेंगे पेड़े टाइप, और फिर उसकी टिक्की बनाएंगे, उसे टिक्की का शेप दीजिए इस तरह से। ऐसे दोनों टिक्की हमें बना करके रखनी है। ये देखिए, सेम ऐसे ही दूसरा भी बनाइए। यहाँ पर 2 टिक्कियाँ बनके रेडी हो गई है। फिर हमें कढ़ाई में ऑयल गर्म करने रखेंगे, क्योंकि हमें इसे डीप फ्राई करना है। आप चाहे तो इसे तवे पे जस्ट ऐसे ही सेक भी सकते हैं, बट मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूँ। इसे दोनों साइड से हमें गोल्डन होने तक सेकना है 5 मिनटों के लिए। और फिर ये देखिए, 5 मिनटों बाद हम इसे निकाल लेंगे। इसे सिर्फ हल्का सा क्रिस्पी करना है ऊपर की लेयर को। फिर बर्गर बंस को मैं कट करूँगी। आप चाहे तो इसे दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, मैंने इस तरह से कट लगाया है। फिर इसमें हम थोड़ा सा बटर डालकर तवे पर इसे सेकेंगे। इसे सेक लीजिए दोनों साइड से। अब ये देखिए, नीचे का बेस है और ये टॉप है बंस का। अब मैं बेस के ऊपर सबसे पहले टमाटो सॉस अप्लाई करूँगी। टमाटो सॉस से पूरी तरह से बेस को कवर कर दीजिए। दोनों बेस पे मैंने टमाटो सॉस लगाया है, ये देखिए। इसके बाद हम इस पे आलू टिक्की रखेंगे। दोनों पर रख दीजिए ठीक से। इसके बाद ओनियन स्लाइस। आप चाहे तो और भी, अगर आपको कुछ पसंद हो लाइक खीरा वगैरह, तो आप इस उसमें रख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ ओनियन और टमाटो का यूज किया है। ये बहुत ही टेस्टी डिश है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आप ब्रेकफास्ट में भी ट्राई कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं चीज़ रख रही हूँ, चीज़ स्लाइस। फिर हम बर्गर के टॉप पर मेयोनीज लगाएंगे। मेयोनीज की रेसिपी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, इसका वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, यहाँ पर बर्गर बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बना है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।